नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट ब्रिंग यू एंड योर फैमिली गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। सो हम लोग न्यू ईयर पर एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं, बट आई बिलीव ये एक्सीडेंट देखने के बाद आप हमेशा कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनने का रेजोल्यूशन आज ज़रूर लेंगे। सबसे पहले आप एक CCTV फुटेज देखिए जो मिस्टर यादव ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करी थी। यहाँ आपने देखा किस तरह से गाड़ी अनकंट्रोल्ड होती है, जिसका रीज़न टायर बस्ट या ड्राइवर को नींद आना हो सकता है, और फिर गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी से बाहर 3 लोग गिरते हैं। यहाँ इस तरह से गाड़ी से बाहर उछलकर गिरने का रीज़न रहा इनका सीट बेल्ट्स ना पहनना। इंडिया में हम में से कई लोग सीट बेल्ट्स और हेलमेट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, पर एक सीट बेल्ट या छोटा सा हेलमेट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सीट बेल्ट्स ना सिर्फ इस तरह के एक्सीडेंट्स में काम आती है, बल्कि इन केस ऑफ फ्रंटल कोलिजन की रिस्ट्रेंट सिस्टम का भी काम करती है, और कुछ कार्स में एयरबैग्स और सीट बेल्ट्स कनेक्टेड रहते हैं, जहां सीट बेल्ट्स अगर आप ना पहने तो एयरबैग्स भी डिप्लॉय नहीं होंगे कोलिजन के बाद। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नेवर डू दिस मिस्टेक, और इस दिवाली एक नया रेजोल्यूशन लें कि जब भी आप कार चलाएंगे तो सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे और बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।